हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने अपनी जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय मांगा। चीफ जस्टिस GI चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 महीने का समय सही नहीं है, 15 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। 8 मई को कमेटी ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। CJI ने कहा, जस्टिस अप्रे की कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, हम वीकेंड के दौरान ये रिपोर्ट देखेंगे। अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में 4 जनहित याचिकाएं दायर हुई थी। एडवोकेट ML शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने याचिकाएं दायर की थी। मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JP पारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 6 महीने का समय नहीं दे सकते, काम में थोड़ी तेजी लाने की ज़रूरत है, हम अगस्त के मध्य में मामले को लिस्ट कर सकते हैं, आप 3 महीने में अपनी जांच पूरी करें और हमारे पास वापस आएं। इसके बाद बेंच ने कहा कि वो 15 मई को टाइम एक्सटेंशन के लिए SEBI के आवेदन पर अपना आदेश सुनाएगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।